गुजरांवाला से हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ डॉक्टर मिर्जा एम बी कमर के मुताबिक जिमखाना में मुनक्किद होने वाला नेशनल रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। बैडमिंटन के दिलचस्प और शानदार मुकाबले 5 दिन जारी रहे। मुल्क भर से 200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। फाइनल्स के मौके पर कमिश्नर नवीद हैदर शिराजी और डिप्टी कमिश्नर फैजाज अहमद मोहल मेहमान खसूसी थे, जिन्होंने फातह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। उन्होंने कहा, नेशनल रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट का गुजरांवाला जिमखाना में इनेकाद यादगार मौका है। कौमी खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस याद रहेगी। वाज रहे कि बैडमिंटन का यह कौमी लेवल का टूर्नामेंट गुजरांवाला जिमखाना और उसकी इंतजामिया की तारीखी काविश करार दिया जा रहा है। माजी में यहां इस तरह का कोई इवेंट नहीं हो सका। क्लब मेंबरान और बैडमिंटन के शायकीन ने टूर्नामेंट करवाने पर सेक्टर जिमखाना शेख आमिर रहमान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शब्बीर हुसैन भट्ट, हाजी आसिम अनीस, अदील खालिद और बैडमिंटन कोच मोहम्मद अक्रम की काविशों को खसूसी खराज तहसीन पेश किया।